हे मार्शमेलोस, मैं आपकी लवर गर्ल आज आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ कोरिया की सबसे रोमांटिक मूवी सोलमेट के सेकंड पार्ट को, जिसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये दोनों अपने किसिंग सीन को कंप्लीट कर उस केव से बाहर निकल रहे हैं। अब किसिंग सीन कंप्लीट करने के बाद हम इन दोनों को उस केव से बाहर आते देखते हैं, मगर बाहर आने के बाद इन तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस पहले से बदला हुआ नजर आ रहा था। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमें मेहू को अपने फ्रेंड के साथ सोल जाते हुए दिखाया जाता है, मगर जाने से पहले हायन उसे बहुत रोकती है। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि मेहू का बचपन से बस एक ही ड्रीम था, और वो ड्रीम कुछ और नहीं बल्कि सोल जाने का था। दोस्तों, हायउन से अब उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड दूर जा रही थी, जिसको जाते देख हायउन काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है, और तभी उसकी नजर मेहू की लॉकेट पे पड़ती है जो हायउन के बॉयफ्रेंड के गले में था। हायउन अब दुखी होने के साथ साथ काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम मेहू को देखते हैं जो अब सोल आ चुकी है, और यहाँ आने के बाद भी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हायउन को लेटर लिखा करती है, क्योंकि उसका फोन अब गायब हो चुका है। वो अपनी सारी बातें हायउन को लेटर के जरिए ही लिखा करती है कि कैसे उसे और उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ एक बार में जॉब मिली एंड ऑल। मगर इन दोनों को वहाँ भी जॉब करते हुए कुछ ही दिन बीते थे कि तभी मेहू को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ अपना रिलेशन बना रहा है। इसी वजह से वो अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है और मॉस्को आकर क्लीनिंग की जॉब करने लगती है, और इस बात को वो हायउन को भी बताती है। मगर दोस्तों, मेहू से ये झूठ बोलती है कि वो वहाँ बहुत खुश है, लेकिन असलियत क्या थी वो तो हम सभी को पता है। हायउन इस लेटर को पढ़ने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, मगर इसकी इस खुशी पर किसी की नजर लग जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बॉयफ्रेंड से बताता है कि वो भी अब अपनी हायर स्टडी के लिए सोल जा रहा है। दोस्तों, मेहू अभी भी हायउन को लेटर लिखकर ये बताया करती थी कि उसकी लाइफ वहाँ काफी मजे से कट रही है और उसको किसी की तरह कोई भी परेशानी नहीं है, मगर असलियत तो ये थी कि उसे यहाँ काफी ऐसे काम करने पड़ते थे जिसको वो जाकर भी नहीं करना चाहती थी। पर बेचारी क्या करे, उसकी किस्मत ही कुछ ऐसी थी। पहले उसका बॉयफ्रेंड धोखेबाज निकला और अब उसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। दोस्तों, मेहू की ये परेशानी खत्म होती कि उससे पहले ही उसके ऊपर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि अब की बार उसकी मॉम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, और यहाँ भी उनके फ्यूनरल में उसके अलावा कोई नहीं आया था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायउन का बॉयफ्रेंड भी अब उसको छोड़कर जा रहा है, और वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेहू, जो उसे छोड़कर चली गई थी, वो अब उसके पास वापस आ चुकी है। मेहू हायउन को बताने लगती है कि उसकी जिंदगी वहाँ बहुत अच्छे से बीत रही थी, मगर उसे वहाँ उसकी याद आती थी, इसलिए वो उसके पास आ गई है। मगर हायउन को अच्छे से पता था कि मेहू कहीं नहीं गई थी, बल्कि वो तो उसी शहर में थी जिस शहर में वो रह रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को मजे करते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, मगर इसी बीच मेहू हायउन को उसके बैग से कुछ चीजें निकालने के लिए कहती है, जिसके बाद हायउन उसके बैग के अंदर उन चीजों को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसे मेहू के बैग से वही लॉकेट मिलता है जिस लॉकेट को उसके बॉयफ्रेंड ने पहन रखा था। दोस्तों, हायउन इस लॉकेट को देखकर काफी ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है, पर अपनी बेस्ट फ्रेंड मेहू की खुशी के लिए वो इस राज को अपने दिल में ही दबाकर रख लेती है। दोस्तों, ये दोनों अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ मेहू कुछ रिच लोगों के लिए ड्रिंक्स बनाकर उन्हें सिर्फ इसलिए सर्व करती है ताकि उसके बदले वो उसे ड्रिंक की बोतल दे,
मगर मेहू की इस हरकत से हायून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यही वो मोड़ था जहाँ से इन दोनों की दोस्ती में दरार आने लगती है। दोस्तों इसके बाद हम मेहू को काफी साल बाद देखते हैं जो अब एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है जहाँ जीवन उससे मिलने आया था। वो वहाँ आकर उससे पूछता है कि क्या उसने इन बीते कुछ सालों में हायून से बात किया है, जिसके जवाब में मेहू उससे कहती है कि मैं उससे काफी टाइम से नहीं मिली। दोस्तों मेहू अब अपने बॉस के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी खोलने वाली है, मगर उसका यह सपना पूरा हो पाता कि उससे पहले ही उसका बॉस इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, जिसकी वजह से मेहू काफी ज्यादा दुखी थी। यहाँ मेहू का साथ देने के लिए जीवन तो था, मगर उसके बाद भी मेहू का ये दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी हम देखते हैं कि हायून अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढती हुई वहाँ आ चुकी है, जो इस बार भी इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है और मेहू से पूछ पड़ती है कि आखिर वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है, जिसके जवाब में जीवन उससे मेहू के साथ हुई इन सभी इंसिडेंट के बारे में बताता है और उससे कहता है कि वो उससे जल्द ही शादी करने वाला है। उसके इस जवाब को सुनकर हायून काफी खुश होती है और वो भी उसके इस फैसले में उसका साथ देने के लिए मान जाती है, जिसके बाद शुरू होती है इन दोनों की लिव इन रिलेशनशिप, जिसके अंदर ये शादी से पहले ही हनीमून भी मना लेते हैं और फिर कुछ वक्त बाद इन दोनों की शादी का दिन आता है। मगर यहाँ तो हायून अपने शादी के मंडप से ही उठकर भाग जाती है और उसी अपार्टमेंट के अंदर रहने लगती है जहाँ कुछ साल पहले मेहू रहा करती थी। दोस्तों इस रूम में मेहू की कुछ ऐसी यादें थी जिनको देखकर हायून इमोशनल हो जाया करती थी और इसी वजह से उसने उस रूम की दीवार पर मेहू की पेंटिंग भी बना दी थी। दोस्तों ये वही पेंटिंग थी जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेहू से दोबारा मिलने के लिए जीवन आया है और वो हर बार की तरह इस बार भी उससे हायून के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो उससे कहती है कि उसे हायून की याद तो हर वक्त आती है, मगर वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता है। वो जीवन से आगे कहती है कि अगर तुम्हें हायून से ही प्यार था तो तुमने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक क्यों किया? क्या तुम जानते भी हो कि मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया है? यहाँ मेहू ने जीवन से झूठ बोला था कि वो बच्ची उसकी है। असल में सच तो ये था कि इस बच्ची को हायून ने जन्म दिया था, मगर जब उसने इस बच्ची को जन्म दिया था तो उस वक्त उसके बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल गया था, जिसकी वजह से हायून मर चुकी थी। और अपनी बेस्ट फ्रेंड की बच्ची को बिना मॉम डैड के देखकर मेहू को काफी बुरा लगा था, इसलिए उसने उस बच्ची को अपने साथ रख लिया था। मेहू अब अगले दिन फिर से उसी अपार्टमेंट में जाती है जहां वो पहले रहा करती थी, मगर यहां आकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उस रूम में किसी ने उसकी पेंटिंग बना रखी थी। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको मेरी यानी लवर गर्ल की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।